खबर सोनभद्र से है। आज 11 सितंबर को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा सोनभद्र के तत्वाधान में जिला मुख्यालय स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर श्री अमर सिंह द्वितीय की सेवा समाप्ति का आदेश वापस लिए जाने के अनुरोध का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी सोनभद्र द्वारा दिया गया। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत सिंह ने कहा कि इस तरह से सरकार में बैठे नेताओं द्वारा बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के उनको पद मुक्त करना यह अन्याय है, जिसे कतई हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि अमर सिंह का बर्खास्त ही वापस लिया जाए। क्षत्रिय कुर्मी महासभा के जिला अध्यक्ष विनोद सिन्हा ने कहा कि हमारे समाज के प्रति शोषित वर्गों के साथ सरकार सदैव सौतेला व्यवहार कर रही है। विवेक सिंह पटेल, कांग्रेस छात्र संगठन के नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिला सचिव कांग्रेस सीडी सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष अपना दल विजय सिंह, जिला सचिव व ओम प्रकाश पटेल मंडल महासचिव सपा ने संयुक्त रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति नियत दोनों जनता के विपरीत है और गलत तरीके से सरकारी पदाधिकारियों को बर्खास्त किया जाना यह अन्याय है। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसी को बिना किसी दोषारोपण के पद से मुक्त करना यह सरकार की तानाशाही है। सरकार को जल्द बदल दिया जाएगा। देशराज पटेल, किसान क्रांति सेना जिला अध्यक्ष पवन पटेल, सपा छात्र सभा के जिला सचिव व विजय पटेल ने कहा कि इनकी बर्खास्त को जल्द से जल्द वापसी ले लें, नहीं तो एक बृहद आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रशासन की होगी। इस अवसर पर रामेश्वर पटेल जिला सचिव सपा, शुभम पटेल, मुकेश पटेल तरंग यू मंच जिला अध्यक्ष अपना दल, एस रोहित पटेल, के डी सिंह, विक्रम पटेल, अमित सिंह पटेल, अभिषेक पटेल, दिनेश पटेल कांग्रेस पटेल, आशुतोष पटेल, मिंटू सिंह, अरविंद सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। सोनभद्र से हमारे संवाददाता हरिश्चंद्र मौर्य की रिपोर्ट।